उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है। पर्वतीय इलाके में जल धाराएं और वातावरण मछली पालन के लिए मुफीद हैं। खासकर ट्राउट फिश यानी मछली को बढ़ावा देकर लोगों के स्वरोजगार से जोड़ने की योजना, जिसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन बनाया जाएगा ताकि आसानी से अन्य राज्यों में इसे भेजा जा सके। दरअसल उत्तराखंड राज्य के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आर्थिकी के सीमित संसाधन है। ऐसे में राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जिसमें मौजूदा स्थिति यह है कि प्रदेश में बीते साल करीब 9,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसके साथ ही करीब 950 मीट्रिक टन ट्राउट फिश का उत्पादन हुआ था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार के का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं 2027 तक, हम उसको पूरा करें।